नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेस्टबुक के प्लेटफॉर्म पर। एक बार कंफर्म कीजिए, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? एक बार कंफर्म कीजिए, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? कंफर्म कीजिए, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? थैंक यू वेरी मच। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पेन और पेपर लेके बैठे हैं, इसी इस सेशन को किसी भी तरीके का नेटफ्लिक्स का कोई मूवी ना समझे कि आप आएंगे बैठेंगे आपको एकदम समझ में आ जाएगा और अगले दिन आपका यूपीएससी क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको इस बुक को पढ़ने के लिए, इस बुक को समझने के लिए थोड़ा सा कंसंट्रेशन लगाना होगा। जो स्टूडेंट मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं इकोनॉमिक्स का पीछे की क्लासेस, जो एनसीईआरटी बेस मैंने कुछ बेसिक्स बताए थे, उन्होंने जिन स्टूडेंट्स ने वो क्लासेस की भी होंगी उनको तो बहुत शानदार समझ में आने वाला है, मैं ये गारंटी दे सकता हूँ उनको। और जो फर्स्ट टाइम इस क्लास से जुड़े हुए हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अभी, ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, उनसे मैं ये कहूँगा कि वो बस पेन और पेपर लेके बैठे, अपने शॉर्ट नोट्स बनाते रहें और देखिए चीज़ें आपको कितनी आसान लगने वाली। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स जनरल स्टडीज़ का मैथमेटिक्स होता है। क्या होता है? जनरल स्टडीज का मैथमेटिक्स। तो आज हम रमेश सिंह की शुरुआत कर रहे हैं। कल हमने इंट्रोडक्शन क्लास ली थी, थोड़ा सा आइडिया बताया था आपको कि हम कैसे कैसे इस बुक को कवर करेंगे, क्या क्या टॉपिक हम कवर करेंगे। इसके अलावा मैंने बाकी प्रीलिम्स की बहुत सारी चीजें आपको बता दी थी। आज हम रमेश सिंह जो बुक है उसका चैप्टर वन का पार्ट वन करेंगे, यानी चैप्टर वन को हम दो पार्ट में कवर करेंगे, एक पार्ट में कंप्लीट नहीं होने वाला है। इसके अलावा मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन और देता हूँ दोस्तों, इस बुक में जो मेटेरियल है, यानी इस बुक के अंदर जो कुछ है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, प्लस इसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको जो अलग अलग किताबें हैं उसको भी मैं इसके अंदर जोड़ दूंगा। यानी कि रमेश सिंह के अलावा, यानी इस जो बुक के अंदर है वो भी, उसके अलावा आपको क्या करना है, इस जो स्टैंडर्ड्स किताबें हैं अलग अलग, उनका भी मटेरियल मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा। तो ये नहीं आपको कि अलग अलग चीज़ें पढ़नी है, अलग अलग नहीं, लेकिन आपके पास एटलीस्ट रमेश सिंह तो किताब होनी चाहिए और जो भी लेटेस्ट वर्जन है इसका, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन जो अभी 13th एडिशन है दोस्तों, इसके अंदर कोविड का भी कुछ पार्ट दिया हुआ है, तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने मेंस में या फिर कुछ प्रीलिम्स में भी कोविड से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स के, तो उनको शानदार तरीके से वहाँ प्रेजेंट कर सकते हैं, तो दैट्स वाई दिस इज़ वेरी गुड। हाँ, थोड़ा सा साइज इस किताब का बड़ा होता जा रहा है, लेकिन जो चीज़ फालतू की है मैं उसको बता दूंगा आपको, उसको अवॉइड कर दीजिएगा, बिल्कुल आपको नहीं पढ़ना उसको। तो हम चैप्टर नंबर वन की बात करेंगे, उसके इसको दो पार्ट में, दोबारा बोल रहा हूँ, दो पार्ट में कवर करेंगे, आज ये फर्स्ट पार्ट है। मेरा नाम राहुल शर्मा है और पिछले 13 सालों से यूपीएससी सीएससी कैटेगरी में पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स और पब्लिक एडमिशन पढ़ाता हूँ। तो हम इकोनॉमिक्स में रमेश सिंह चैप्टर वन पार्ट वन, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सुपर कोचिंग के बारे में बता देता हूँ कि व्हाट इज सुपर कोचिंग। सुपर कोचिंग इंडिया के जो टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं उन एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियोस का एक कलेक्शन है दोस्तों। यहाँ पर डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा आपका लाइव सेशन होता है ताकि आपके कोई डाउट्स ना बचे और डेली बेसिस पर आपका रिविजन होता रहे। अब आप सोच रहे होंगे सुपर कोचिंग का फीस कितना है, तो इसका फीस है दोस्तों 2500 रुपये पर मंथ, यानी 2500, 2500 रुपये महीना में आप सुपर कोचिंग का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसमें भी आप 20% डिस्काउंट ले सकते हैं बाय यूजिंग माय कूपन कोड, दैट इज R00। आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, यानी आपकी फीस हो जाएगी 2000 रुपीज पर मंथ, 2000 रुपये महीने में आप सुपर कोचिंग का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। जब आपका एग्जाम नजदीक आएगा तो मैं कुछ चीज़ें शेयर करता रहता हूँ, बीच बीच में भी शेयर करता रहूँगा, ताकि वो आपको क्या करते रहे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्ट्रॉन्ग करता रहे। इस टेलीग्राम को कृपया करके ये ना सोचे कि यहाँ पे पीपीटी या पीडीएफ आपके साथ शेयर की जाएगी, क्योंकि मैं घोर विरोधी हूँ पीपीटी एंड पीडीएफ शेयर करने का टेलीग्राम, क्योंकि ये आपको कमजोर करता है, आपके सिलेक्शन में एक ऑब्स्टेकल का काम करता है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, मैं ऐसा सोचता हूं कि जो स्टूडेंट खुद के नोट्स बनाता है, सेल्फ नोट्स बनाता है, दूसरे के नोट से नहीं पढ़ता, तो उसके चांसेस 99.9% ज्यादा हो जाते हैं एक उन स्टूडेंट्स के मुकाबले में जो दूसरों की पीपीटी, दूसरों की पीडीएफ या दूसरों के नोट्स पढ़ता है। ठीक है, तो मैं आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना करें। हाँ, टेक्स्ट बुक आपको स्टडी मटेरियल देगा, उस स्टडी मटेरियल से आपको सेल्फ नोट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? सेल्फ नोट्स बनाने हैं, और आपके इकोनॉमिक्स के जो नोट्स होने चाहिए वो 15 पेज से ज़्यादा नहीं होने चाहिए फॉर प्री। ठीक है, प्री में 15 पेज से ज़्यादा के आपके सेल्फ नोट्स नहीं होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स नहीं होने चाहिए। अगर आप 15 पेज से ज़्यादा के नोट्स बना रहे हैं तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ कर रहे हैं, उसको आपको चेक करने की ज़रूरत है, जो आप खुद ही कर पाएंगे।
चलिए तो शुरुआत करते हैं इंडियन इकोनॉमी के रमेश सिंह बुक की, जिसका चैप्टर वन हम आज कवर कर रहे हैं और पार्ट नंबर वन कवर कर रहे हैं। ठीक है, 13th एडिशन को हम लेंगे। अगर कोई नेक्स्ट एडिशन भी आता है तो उसमें कुछ चीजें अगर अलग से ऐड की होंगी तो आई विल कवर। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, बस आप पेन पेपर लेके जो मैं बताता ना उसको शॉर्ट नोट्स बनाते रहिएगा। तो बात करते हैं आज का जो चैप्टर है दोस्तों, चैप्टर काफी बड़ा है लेकिन जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में मैं आज क्या क्या कवर करेंगे, हम आज बात करेंगे इस बुक के अंदर एक शब्द दिया हुआ है मोर देन डिसिमल साइंस, इसका मतलब क्या है अभी बात करेंगे। अभी आप सोचे, कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि आप सर हिंदी में पढ़ाइए, कुछ कहेंगे इंग्लिश में पढ़ाइए, मैं कहता हूं कि आपकी और मेरी भाषा हिंदी इंग्लिश से परे है। ठीक है, मैं हिंदी इंग्लिश से बाहर निकाल के पढ़ाऊंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदी इंग्लिश का भूत जो आपके दिमाग में भरखा है, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर वालों ने भरखा है, ठीक है, कि हिंदी मीडियम वालों का कम सिलेक्शन होता है, इंग्लिश मीडियम वालों का ज़्यादा सिलेक्शन होता है, या इंग्लिश मीडियम वालों को स्टडी मटेरियल ज़्यादा मिलता है, हिंदी वालों को कम मिलता है, ऐसा कुछ भूत बना रखा है। आइए हमारे कोचिंग को ज्वाइन कीजिए, ये हिंदी में आपको सब कुछ मिलेगा, वो आपके दिमाग में भूत बना रखा है, तो उस भूत से कृपा करके आप बचें। हम हिंदी और इंग्लिश को बाईपास करके अपनी एक अलग भाषा में पढ़ेंगे, क्योंकि जब आपकी माँ आपसे कहती है बेटा घड़ी में टाइम बताओ, तो आप ये नहीं कहते मम्मी टाइम को हिंदी में बताओ, हिंदी में क्या बोलते हैं। ठीक, जब आपकी मम्मी बोलती है बाइक निकाल ले मुझे बाजार चलना है, तो अपनी मम्मी से ये नहीं कहते कि मम्मी बाइक को हिंदी में क्या कहते हैं, क्योंकि आपको पता कोनी घूते चप्पल सब आप पे बजने वाले हैं, तो आप नहीं पूछेंगे। तो मेरे से भी आप एक्सपेक्ट यही करेंगे कि आप मेरे से इस बेफजूल की तरीके के सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि मैं कैमरे में से निकल के आपको खींच के पीट तो नहीं सकता, लेकिन हाँ ये एक्सपेक्ट करूंगा अपने दिमाग में कि मतलब मेरे दिमाग में बन जाएगा कि इसका होने वाला कुछ है नहीं। ठीक, तो कृपा करके फोकस करेंगे आप किसी भी तरीके के, जो चीज़ नहीं समझ में आप बेसिक समझिए। आपने अपनी मम्मी से टाइम, जब मम्मी ने टाइम कहा तो आपने ये नहीं कहा कि टाइम का हिंदी में क्या मतलब है, क्योंकि आप जानते हैं उसका मीनिंग। बाइक, आपकी मम्मी ने कहा बाइक निकालो तो आपको उसका मीनिंग जानते हैं। फॉरगेट अबाउट दिस हिंदी इंग्लिश, आप मीनिंग समझिए, मैं मीनिंग समझाने में आपकी मदद करूंगा। ठीक है, तो आज के हम चैप्टर में जो पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि मोर देन ए डिसिमल साइंस, ये इस किताब के अंदर राइटर ने कहा है अबाउट द इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के बारे में कहा है, डिसिमल साइंस है ये। ठीक, दूसरा हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस को जानने की कोशिश करेंगे कि डिफाइन करेंगे हम कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है, फिर हम माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में अंतर समझेंगे, और लास्ट में हम बात करेंगे इकोनॉमिक सिस्टम्स, जिसमें पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम इन चार टॉपिक को कवर करेंगे, ये चार टॉपिक हैं। ठीक, तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट इस इकोनॉमिक्स के बारे में। राइटर ने इस किताब के अंदर, जैसे आप इस किताब को शुरू करेंगे, पहला जो चैप्टर इंट्रोडक्शन, उसके अंदर लिख रखा है मोर देन डिसिमल साइंस, इकोनॉमिक्स के यानी अर्थशास्त्र के बारे में लिखा हुआ है। इकोनॉमिक्स को हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं, और कहा है कि ये जो इकोनॉमिक्स है, जो अर्थशास्त्र है, मोर देन डिसिमल साइंस, यानी कि ये जो आपकी अर्थशास्त्र है, जो इकोनॉमिक्स है, ये निराशाजनक विज्ञान से भी कहीं अधिक है, कहीं अधिक है। मतलब इकोनॉमिक्स को राइटर ने क्या बोल दिया है, डिसिमल साइंस बोल दिया है, यानी निराशाजनक विज्ञान। अब वैसे एक आपसे अगर मैं सवाल पूछूं कि बच्चों साइंस क्या होता है, विज्ञान क्या होता है, कौन बताएगा, व्हाट इज साइंस, विज्ञान क्या है, आप में से कौन विद्यार्थी मुझे बताएगा कि साइंस क्या है, विज्ञान क्या है। सबको देखो गुड आफ्टरनून है, नमस्कार, जय हिंद, केवल आने के एक दो मिनट में कीजिएगा, बाद में फिर डिस्टर्ब नहीं। ठीक है, आपको कोई सवाल है तो बीच में पूछ सकते हैं, अदरवाइज हाय हेलो, ठीक है, तुम कैसी हो, तुम कैसी हो, उसको गुड आफ्टरनून हाय हेलो ना कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मेरा ध्यान भटकता है, मुझे ऐसे मोबाइल में देखना होता है। व्हाट इज साइंस, साइंस का मतलब है कि कुछ पैरामीटर्स को लिया, कुछ पैरामीटर्स को लिया, उनको कंबाइंड किया, या कुछ एल्गोरिथम अप्लाई करी और फाइनली एक रिजल्ट निकाल दिया आपने, जैसे कि E इज इक्वल टू MC² राइट, कि भाई एनर्जी को आप ना तो उत्पन्न कर सकते ना ही नष्ट कर सकते, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हो, ये कहा गया विज्ञान ने। तो विज्ञान ने जो नियम बना दिया वो कभी फेल नहीं होता है, उसका फेल होने का चांस बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक, वो अपने एग्जैक्ट, यानी कि अगर आपने बोल दिया विज्ञान के अकॉर्डिंग ये सैटेलाइट, ठीक है, विज्ञान ने अगर ये कह दिया कि अगर ये इस स्पीड से जाएगा तो अर्थ की ऑर्बिट को इतनी डिस्टेंस में, इतनी देरी में पार कर देगा, तो साइंस ने क्या करा, एक फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले में आप, साइंस के फॉर्मूले में आपने पैरामीटर्स डाले और उसने बता दिया कि 5 मिनट के अंदर ये अर्थ की ऑर्बिट को पार कर देगा, तो ठीक 5 मिनट में ही कर देगा। तो यानी कि साइंस जो है सटीक जानकारी देता है, एग्जैक्ट आउटपुट देता है,
ये नहीं देता है। इकोनॉमिक्स के साथ यही दिक्कत है, इसीलिए इस राइटर ने इसको कहा है निराशाजनक विज्ञान। कैसे? अब देखिए, कोविड के समय में क्या कोई अर्थशास्त्री ये बता पाया था, कोविड आने के पहले से, जब कोविड की हवा चल पड़ी थी, कि जो सैनिटाइजर है उसके प्राइस एकदम बढ़ जाएंगे? क्या कोई बता पाया था? ये साइंस फेल हो गया था, ए फेल्ड साइंस। यानी इकोनॉमिक्स, जिसको कई बार विज्ञान भी कहते हैं, ये विज्ञान फेल हो गया था कोविड के समय में। इन कोविड क्राइसिस में ये फेल हो चुका था। ये कैसे नहीं बता पाए कि भाई कोविड आने वाला है और कोविड में सैनिटाइजर के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं? क्यों नहीं बता पाया ये? इसका मतलब ये निराश कर देता है, जबकि विज्ञान जो साइंस है वो कभी आपको निराश नहीं करेगा। दैट्स वाई, इसी की वजह से राइटर ने इसको कहा है, क्या बोला है, डिसमल साइंस। ये शब्द अगर आप कहीं देख लें तो समझ जाइएगा, डिसमल साइंस मतलब निराशाजनक विज्ञान, जो सटीक जानकारी नहीं देता है, जो सटीक जानकारी नहीं देता है। ठीक है बच्चों, अगर सटीक जानकारी मिलती तो लोगों का शेयर मार्केट में जो डेली इतना पैसा डूबता वो ना डूबा करता। तो क्या दिमाग में रहेगा कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक डिसमल साइंस है, यानी निराशाजनक विज्ञान है, जो सटीक जानकारी 100% नहीं देता है। पहला पॉइंट लिख लिया शॉर्ट में, कॉपी में, पेन और पेपर में लिख लिया। ये नेटफ्लिक्स की सीरीज नहीं चल रही कि आप आके यहां बैठ गए, पेन और पेपर पे लिखिए क्या कि सर ने बताया है कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक डिसमल साइंस है। बिल्कुल छोटी सी लाइन में बहुत बारीक बारीक सा लिख लिया, ताकि जब आप रिवाइज करें तो आपको 5 से 7 मिनट लगे। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों ये इनवैल्यूएबल नेचर में है, यानी कि फिर भी इसकी एक अमूल्य प्रकृति है, फिर भी इसको पढ़ा जाता है, फिर भी इसकी जानकारी रखनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो क्या बताया मैंने अभी तक आपको कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक डिसमल साइंस, यानी निराश करने वाला विज्ञान है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की, कि इकोनॉमिक्स है क्या। तो मैं आपको इस किताब के अंदर जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन लिखी है उसको भी बताऊंगा, उसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड्स बुक्स हैं उसके अंदर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या लिखी है वो भी आपको बताऊंगा। तो आपको ये जैसे ही पूरा चैप्टर खत्म होगा, आज की क्लास खत्म होगी, तुरंत आप रमेश सिंह की बुक को एक बार रीडिंग मारेंगे और आप देखेंगे कि सर ने इस बुक के अलावा क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा बताई है। या तो आप बुक में लिख लीजिए वहीं, या फिर आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। ठीक है दोस्तों, अब इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन को समझने से पहले एक वर्ड है इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो उसको जान लेते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्या। देखिए, वो सारी की सारी एक्टिविटी, ऑल एक्टिविटीज, यानी कि वो सारी की सारी एक्टिविटी जो इन्वॉल्व हो, जिसके अंदर इन्वॉल्व हो क्या, मनी, यानी पैसे का एक्सचेंज, पैसे का आदान प्रदान, यानी कि वो सारी की सारी एक्टिविटी, ठीक है, जिसके अंदर पैसे का एक्सचेंज हो, ऐसी एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। मैं डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बताने वाला हूं आपको, यानी कि इकोनॉमिक्स की परिभाषा बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक शब्द आपको समझना होगा, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि वो एक्टिविटी, यानी आर्थिक गतिविधि के बारे में बताने वाला हूं मैं आपको, वो गतिविधि जो पैसे के एक्सचेंज से क्रिएट हो रही है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो उसके बदले आपको पैसा मिलता है, आप बिजनेस कर रहे हैं तो कहीं पर पैसा देते हैं तो रॉ मटेरियल आता है, फाइनल गुड्स कहीं पे बना के सेल करते हैं तो पैसा आता है, यानी कि पैसे का एक्सचेंज हो रहा है। तो ऐसी एक्टिविटी क्या हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। आप पेट्रोल जाके खरीदते हैं तो क्या है, ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मोहतरमा या मोहतरमे को लेके आप कहाँ जाते हैं, मॉल में जाते हैं मूवी देखने, आप समझ गए होंगे मैं कहाँ जा रहा हूँ। आप जाते हैं तो वहाँ पे मोमोज, बर्गर, चाउमीन आप खाते हैं या खिलाते हैं या खाती हैं या खाते हैं, तो वो क्या है, दैट इज उसमें भी आप पैसा देते हैं और मोमोज, चाउमीन या बर्गर आप खाते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सही नहीं प्रोनाउंस कर पाता हूँ मोमोज चाउमीन, क्योंकि मैं खाता नहीं हूँ। ठीक है, तो क्या है, तो ये क्या है, ये क्या है, भोरा दूसरे पे एक्सचेंज हो रहा मनी का, तो दिस वन इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक, अब इसी किताब के अंदर, ठीक है, अब इसी के अंदर, इस बुक के अंदर लिखा गया है गोइंग टेंपल एंड गिविंग
अलम्स, ठीक है, यानी कि अगर आप मंदिर में जा रहे हैं, ठीक, आप अगर मंदिर में जा रहे हैं तो मंदिर में अगर आप जाएंगे तो भगवान की प्रेयर करेंगे तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आता। लेकिन अगर आप किसी को भिक्षा दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, मंदिर ट्रस्ट में कुछ पे कर रहे हैं तो दैट कम अंडर द इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी किसके इर्द गिर्द घूम रही है? पैसे के इर्द गिर्द घूम रही है, मनी के इर्द गिर्द घूम रही है, राइट? पैसे के इर्द गिर्द घूम रही है, मनी के इर्द गिर्द घूम रही है, ठीक। लिटिल कृष्णा जी, शर्मा जी आपसे नहीं हो पाएगा, प्लीज बस करो। आपकी आईपी ढूंढे क्या? कहीं तो ढूंढे, आपके पिताजी से बात कर लेंगे, कहेंगे क्या भेजा है आपने दुनिया में, करें बात। थोड़ा बिहेवियर ठीक रखो आपका और मेरी क्लास में। और आप ऑनलाइन आके हमारी क्लास में आते, एक पीछे एक दरोगा जी आए थे एक दिन, आप भी ऐसे ही आए क्या? आप ऑनलाइन में आके आप ऐसे बोल जाएंगे, आपको पता है कि आपका आईपी ढूंढने में कितने देर लगेगा, और ढूंढवा के आपके पिताजी से बस दो तीन सवाल पूछने, ठीक। तो यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी किसके इर्द गिर्द घूम रही है? मनी के इर्द गिर्द घूम रही है, पैसे के इर्द गिर्द घूम रही है दोस्तों। यानी कि मनी क्या है? एक की फैक्टर है। पैसा क्या है? की फैक्टर है। और इस पैसे को मैनेज करना ही जरूरी है, मानेंगे ना, इस पैसे को मैनेज करना ही जरूरी है। तो दोस्तों इस मनी को, इस पैसे को, या फिर मैं कहूं वेल्थ को मैनेज करने के लिए जो रूल्स और रेगुलेशन जहां पर लिखे होते हैं उसी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। दोबारा सुनिए, मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या बताया, कि ऐसी एक्टिविटी जो रिलेट हो किससे, पैसे से, मनी से रिलेट हो, राइट? एक ऐसी एक्टिविटी जो पैसे से और मनी से रिलेट हो, और इस पैसे को, इस मनी को मैनेज करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन की आवश्यकता पड़ती है। वो जो रूल्स रेगुलेशन, कायदे कानून नियम है जहां पर लिखे हैं उसी को इकोनॉमिक्स कहते हैं, उसी को अर्थशास्त्र कहते हैं। इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र, यानी शास्त्र कहते हैं, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है। तो इकोनॉमिक्स मतलब इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये नियम कायदे कानून का गठजोड़ है जो मैनेज करता है वेल्थ को, जो मैनेज करता है पैसे को। और पैसा इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या है दोस्तों? की फैक्टर है। तो इकोनॉमिक्स क्या हो गया, क्लियर है कि नहीं है? फटाफट सब लोग चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। What is economic? What is economics? What is economics? तो यानी कि economics क्या है? Economics is the combinations of rules and regulations. ठीक है, नियम कायदे कानून का combinations है जो ये रूल्स और रेगुलेशन यूज किए जाते हैं टू मैनेज वेल्थ, टू मैनेज मनी। और मनी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का की फैक्टर है। एक डेफिनेशन तो आपको ये बता दी गई है फॉर इकोनॉमिक्स। अब हम सेकेंड डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। अगर मैं अनदर डेफिनेशन की बात करूं, दूसरी डेफिनेशन की, इकोनॉमिक्स की दूसरी डेफिनेशन क्या है, तो अनदर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कंज्यूम इन ए टेरिटरी। ठीक है, ये जो इकोनॉमिक्स है, जो अर्थशास्त्र है, ये स्टडी है किसकी? वस्तु और सेवा की, जो किसी एरिया के अंदर उत्पन्न किए जाते हैं, वितरित किए जाते हैं और कंज्यूम यानी खपत किए जाते हैं। मान लीजिए, सपोज कीजिए इंडिया है, राइट, इंडिया है, भारत है, भारत के अंदर, इन द इंडिया, भारत के अंदर, इंडिया के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितने डिस्ट्रीब्यूट यानी वितरित हो रहे हैं, और कितने खपत यानी कंज्यूम हो रहे हैं, उनके स्टडी को ही क्या कहते हैं? उनके स्टडी को ही कहते हैं दोस्तों इकोनॉमिक्स।
उसी को अर्थशास्त्र कहते हैं। तो एक डेफिनेशन इन रिस्पेक्ट मनी बता दी, एक डेफिनेशन आपको गुड्स एंड सर्विसेज के रिस्पेक्ट में बता दी। खैर आपको गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में मालूम होगा कि व्हाट इज गुड्स एंड व्हाट इज सर्विसेज। गुड्स के बारे में ठीक, गुड्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी, चले गए क्या नितिल जी, चले गए? लो एक आध आइटम आता है वही चला जाता है भाई, मजा रहता ना चाहिए। मेरे क्लास में बोरियत नहीं मुझे महसूस, बिल्कुल अच्छी लगती, एक आध ऐसा रहना चाहिए। ये घर में रहते हैं तो वहाँ रोशनी रहती है, ये सड़कों पे चले जाते हैं तो वहाँ रोशनी रहती है, ऐसे लोग हमारी क्लास में आते हैं तो वहाँ रोशनी रहती है। पता नहीं क्यों चले जाते हैं ये लोग, तूफान की तरह आते हैं, आंधी की तरह गायब हो जाते हैं। आओ दोबारा, कहाँ चले गए तुम हमारी क्लास से, आओ मेरे लाल। ठीक, तो गुड्स क्या है, पहले गुड्स और सर्विसेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया ना, स्टडी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, जो किसी टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कंज्यूम होते हैं। अब गुड्स मतलब वो प्रोडक्ट जिसको हम देख भी सकते हैं, हम टच भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, दैट्स प्रोडक्ट इज कॉल्ड गुड। यानी कि ये जो मार्कर है, ठीक, ये जो मार्कर है इसको हम देख भी सकते हैं, मैं देख भी रहा हूं, मैं इसको टच भी कर रहा हूं, मैं इसको फील भी कर रहा हूं, राइट, तो दैट इज द गुड। सर्विस जिसको ना आप टच कर सकते ना आप देख सकते, केवल फील कर सकते हैं। आई एम गिविंग सर्विस, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो गिविंग यू सर्विस, तो आप केवल फील कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि किसी निश्चित टेरिटरी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं और कंज्यूम हो रहे हैं, उनकी स्टडी को ही क्या कहते हैं दोस्तों, इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है। और ऑलवेज जो इकोनॉमिक्स है ये इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, ये किसके प्रिंसिपल पे काम करती है, डिमांड और सप्लाई के प्रिंसिपल पे काम करती है, ठीक है। नहीं नहीं ऐसे लोग मुझे पसंद आते हैं। देखो क्या होता है ना, याद रखिए, दूध दुनिया में जितना छोटा होगा वो उतना पावरफुल होगा। इन्होंने कहा कि आपसे नहीं हो पाएगा, हमने करके दिखा रखा है इनको, हम अगर अपने स्टूडेंट्स की रिंग बता दें तो इनके तोते पोते चिड़िया उड़िया सब उड़ जाएंगे। तो मैं ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है जो बताते हैं, फिर हम पे अंदर एक अंदर से एनर्जी आती है कि हमें और बच्चों का सिलेक्शन कराना है, ठीक है, फिर अंदर से फीलिंग आती है। तो ऐसे लोग तो मोटिवेशन, हमारे मोटिवेशन का काम करते हैं, कहते हैं ना गाड़ी में बैटरी का काम करते हैं लोग। अभी चले गए तो उदास से हो गए हम, तो आओ ठीक है, चलो घर चले गए, अंधकार छा रहा होगा। तो दो डेफिनेशन आपको क्लियर हो गएंगी, पहली ऑन द बेसिस ऑफ मनी एंड सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। अब हम बात करते हैं थर्ड डेफिनेशन की, तीसरी डेफिनेशन के बारे में हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, जो आपकी ये तीनों लिखी हुई आपकी किताब के अंदर। देखिए दुनिया के अंदर रिसोर्सेज यानी संसाधन बहुत कम है, यानी कि संसाधन दो तरीके के होते हैं, यानी कि संसाधन यानी रिसोर्सेज दो तरीके के होते हैं, एक नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से और एक मैन मेड, ठीक। नेचुरल जैसे क्रूड ऑयल, ठीक है, कच्चा तेल, नेचुरल गैस, ठीक है, सनलाइट, ठीक, ये सब क्या है, दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज। मैनमेड रिसोर्सेज आपका मोबाइल फोन, कैमरा, फैन, एसी, दीज आर द मैनमेड रिसोर्सेज, ठीक है। तो दुनिया के अंदर दोस्तों जो रिसोर्सेज हैं इनकी कमी है, इनकी कमी है, लेकिन जो इंसान है इसकी इच्छाओं में कोई कमी नहीं है, ये इच्छाएं लगातार बढ़ रही हैं, ये इच्छाएं लगातार बढ़ रही हैं, यानी कि दुनिया के अंदर रिसोर्सेज बहुत कम है। आप देखिए कच्चा तेल, क्रूड ऑयल क्या दुनिया में बहुत ज्यादा है, नहीं। क्या कोयला बहुत ज्यादा है, नहीं, ठीक है, बहुत कम है। लेकिन इंसानों की जो जरूरत है, डेली लोग गाड़ी खरीद रहे हैं, इंसान को पता है कि कच्चे तेल की कमी है, कच्चा तेल कम है, यानी पेट्रोल बहुत महंगा है, डीजल बहुत महंगा, लेकिन उसके बावजूद लगातार उसकी इच्छाएं बढ़ रही है, रोज नई गाड़ी, एक की जगह दो गाड़ी, तीन गाड़ी, घर में दो दो तीन तीन बाइक है, तो यानी कि उसकी अनलिमिटेड वॉन्ट्स है। रिसोर्सेस कम है लेकिन इंसान की अनलिमिटेड वॉन्ट्स है, यानी कि अगर कोई चीज हमारे पास 5 है तो हमारी इच्छाएं कितनी है, 25 है, कितनी है, 25। तो रिसोर्सेस कम है, इच्छाएं ज्यादा हैं, तो रिसोर्सेज और इच्छाओं के बीच में तालमेल बिठाने को, यानी कि कम रिसोर्सेज में सभी की इच्छाएं पूरी हो जाए, इसको एडजस्ट करने को ही इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो आपको इकोनॉमिक्स की कितनी डेफिनेशन बताई मैंने, आपको इकोनॉमिक्स की 3 डेफिनेशन बताई,
नहीं नहीं लिटिल लिटिल कृष्णा जी, बुरा नहीं माने आप, कहिए हमें अच्छा लग रहा है, आपके जैसा हमें एक दो चाहिए क्लास में, ठीक है। बीच बीच में बच्चे बोर हो जाते हैं ना यार, एक तीन डेफिनेशन बता दी, बच्चे थोड़े से बोर हो गए, आपके जैसे की जरूरत है। आप घर में जाते हैं तो गुलदस्ते की तरह खिल जाता है, घर खिलखिला जाता है आपका। हमारी क्लास में तो देखो सब बच्चे खुश हो रहे हैं, अब मत जाइएगा प्लीज, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है। हाँ मेरठ वाले, हमने तो अंग्रेज को नहीं मना की थी जाने के लिए, तुम मत जाओ, पता नहीं क्या हुआ शोर मचा वो भाग गए, तुम भी मत जाना यार, ठीक। तो मैंने अभी तक इकोनॉमिक्स की आपको तीन डेफिनेशन बताई, डेफिनेशन वन, डेफिनेशन टू एंड डेफिनेशन थ्री। पहली डेफिनेशन किस बेस पे बताई बच्चों, फटाफट लिखिए चैट बॉक्स में। दूसरी डेफिनेशन किस बेस पे बताई वो भी लिखिए, और तीसरी डेफिनेशन किस बेस पे लिखी वो भी बताइएगा। तीनों डेफिनेशन बताइए, डेफिनेशन वन, डेफिनेशन टू एंड डेफिनेशन थ्री, तीनों डेफिनेशन बतानी। अभी तक मैंने आपको इकोनॉमिक्स की तीन डेफिनेशन बताई है, दो डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है रमेश सिंह में, एक डेफिनेशन मैंने किसी दूसरी बुक से ली है। ठीक, तीन डेफिनेशंस। पहली डेफिनेशन साबात हमने किसके बेस पे बोली, मनी के बेस पर, ठीक, इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेस पर, कि मनी को मैनेज करने के लिए जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उन रूल्स रेगुलेशन का कॉम्बिनेशन ही इकोनॉमिक्स कहलाता है, ठीक। दूसरी डेफिनेशन हमने किसके बेस पर ली, फटाफट बताइए, वेरी गुड, हमने गुड्स एंड सप्लाई के बेस पर दूसरी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देखी, गुड्स एंड सर्विसेज के बेस पर, सॉरी। एंड थर्ड वन इज हमने देखी रिसोर्सेज एंड वांट्स के बेस पर, रिसोर्सेज एंड वांट्स के बेस पर हमने इकोनॉमिक्स की तीन डेफिनेशन देखी। क्या किसी भी स्टूडेंट्स को इन तीनों डेफिनेशन में कोई परेशानी कोई दिक्कत है तो मुझे बता सकते हैं। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तीनों के तीनों क्लियर है, यानी मनी के बेस पर, गुड्स एंड सर्विसेज के बेस पर, और किसके, थर्ड वन इज द हमारी जो रिसोर्सेज हैं और वांट्स के बेस पर, आपने तीन डेफिनेशन आपको इकोनॉमिक्स से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब अगर अपना मेंस का जीएस पेपर थर्ड है वहां पर भी लिखने की कोशिश करेंगे, तो क्या होता है कि जीएस पेपर थर्ड में इकोनॉमिक्स का पार्ट है, तो वहां पर इकोनॉमिक्स के ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको आप किसी न किसी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, वो आपकी कलाकारी है, ठीक। आगे बात करते हैं। अब दोस्तों दो टर्म्स आपने सुनी होंगी, माइक्रो एंड मैक्रो, माइक्रो एंड मैक्रो टर्म सुनी होगी। माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब उससे बड़ा, राइट, यही तो होगा कि नहीं होगा। माइक्रो एंड मैक्रो का मतलब क्या है, बताइए, माइक्रो एंड मैक्रो, माइक्रो एंड मैक्रो में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, कुछ आइडिया है? देखिए माइक्रो का मतलब समझिएगा दोस्तों, ये जो टर्म्स है ना माइक्रो, 1930 से पहले ये माइक्रो ही, माइक्रो इकोनॉमिक्स ही इस्तेमाल होती थी, माइक्रो ही यूज हुआ करता था। मैंने इकोनॉमिक्स को दो, अगर मैं डिवाइड कर दूं दो पार्ट में, वन इज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड अनदर इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो 1930 से पहले केवल माइक्रो इकोनॉमिक्स हुआ करता था, केवल और केवल माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में केवल दो चीजें होती हैं, डिमांड और सप्लाई। क्या होती है, डिमांड एंड सप्लाई, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो 1930 से पहले सरकार तो इतनी हुआ नहीं करती थी, कॉलोनीज होया करती थी, फ्रेंच कॉलोनीज, ब्रिटिश कॉलोनीज, ऐसे हुआ करती थी, तो सरकार हुआ नहीं करती थी। तो उससे पहले कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी होती थी। अब कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी क्या है भी बताऊंगा, यानी कि पूंजीपतियों का अधिकार हुआ करता था, यानी पूंजी, बड़े बड़े पूंजीपति हुआ करते थे, जैसी डिमांड है उसी तरीके को सप्लाई कर दिया करते थे, ठीक है। मान लीजिए किसी यूरोप के अंदर ज़्यादा टी की डिमांड पड़ रही है, टी की आवश्यकता, चाय की जरूरत है, तो उसी तरीके से प्रोडक्शन हो जाया करता था। तो यानी डिमांड और सप्लाई पे ही इकोनॉमी चला करती थी 1930 से पहले। लेकिन 1930 में दोस्तों क्या हुआ, ग्रेट डिप्रेशन हुआ 1930 में, ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सरकारें आने लगी। लेकिन 1930 में जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ तो देखा कि सरकारों को एकदम लगा कि ये मेरी जीडीपी क्यों डाउन हो रही है, हमारी जीडीपी क्यों डाउन हो गई, नौकरियां क्यों चली गई। तो यानी कि एक सरकारों के सामने एक नए मुद्दे आ गए, पहले सरकार हुआ नहीं करती थी, लेकिन 1930 के आस बाद में सरकारें आनी शुरू हो गई। तो सरकारों ने देखा कि यार हमारी जीडीपी क्यों डाउन हो गई, नौकरियां क्यों चली गई, गरीबी क्यों बढ़ रही है, यानी कि
इकोनॉमिक्स में कुछ नए मुद्दे आ गए, यानी कि इकोनॉमिक्स जो केवल डिमांड और सप्लाई तक सीमित थी अब वो धीरे धीरे बढ़ने लगी, यानी कि वहाँ डिमांड सप्लाई के साथ साथ अब वहाँ इन्फ्लेशन की बात होने लगी, वहाँ जीडीपी की बात होने लगी, वहाँ पॉवर्टी की बात होने लगी, वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की बात होने लगी, यानी कि इकोनॉमिक्स का साइज जो था वो धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों, बढ़ने लगा। तो यानी कि पहले शुरुआत में डिमांड और सप्लाई हुआ करती थी इकोनॉमिक्स के अंदर, तो उसको बोलते थे माइक्रो, बाद में उसमें बहुत सारी चीजें आई। देखिए दो तरीके की इकोनॉमिक्स है, वन इज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड अनदर इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो, माइक्रो जैसे मैंने कहा आपको छोटा, छोटा कौन होता है, जैसे आप और मैं, हम बहुत छोटे इंसान हैं, ठीक है, तो माइक्रो मतलब छोटा, यानी इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल सबसे छोटा होता है। तो हर इंसान की अपनी एक नीड्स होती है, कुछ आवश्यकताएं होती हैं, नीड्स, तो नीड्स की वजह से वो डिमांड करेगा, और जब वो डिमांड करेगा तो उसको सप्लाई कर दिया जाएगा, जितनी डिमांड करेगा उतनी सप्लाई कर दी जाएगी। तो पहले इकोनॉमिक्स केवल डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करती थी, तो उसको बोलते थे माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन दोस्तों जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ, यानी कि सब कुछ तहस नहस हो गया, इकोनॉमिक एकदम तहस नहस हो गई, यानी डिमांड और सप्लाई के बीच में मिसमैच हो गया, बैलेंस की कंडीशन बची नहीं, तो क्या हुआ, तब दोस्तों ये नई चीजें निकल के आई, भुखमरी निकल के आई, यानी गरीबी पुअर्टी निकल के आई, ठीक है, इन्फ्लेशन महंगाई ज्यादा हो गई, ठीक, बेरोजगारी ज्यादा हो गई, तो यानी इकोनॉमिक साइज बढ़ने लगा। तो जब भी दोस्तों हम बात करेंगे इन्फ्लेशन, बजट, टैक्स, अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर्टी, पॉपुलेशन, नेशनल इनकम, तो दीज आर द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में केवल दो चीजें आएंगी, डिमांड एंड सप्लाई। अगर आने वाली क्लासेज में मैं कहीं पर डिमांड और सप्लाई की बात करूंगा तो आपके दिमाग में एकदम आ जाना चाहिए कि सर केवल किसकी बात कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स की। अगर मैं इन्फ्लेशन, बजट, टैक्स, अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर्टी, पॉपुलेशन, नेशनल इनकम, इनकी बात कर रहा हूँ तो आप समझ जाएंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स का साइज बढ़ने लगा है शुरुआती दौर में, क्योंकि सरकारें हुआ नहीं करती थी, ठीक है, डेमोक्रेसी कहीं हुआ नहीं करती थी, रिपब्लिक कहीं हुआ नहीं करती थी। वैसे आपसे मैं पूछ लूँ, अगर आप मुझे बता सकते हैं, कितने स्टूडेंट बताते हैं, वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक, वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक, What is the difference between democracy and republic? दोनों में क्या अंतर है? देखिए डेमोक्रेसी का मतलब है रूल बाय मेजोरिटी, यानी कि जिसको बहुमत मिला है वो रूल करेगा, और रिपब्लिक का मतलब है रूल बाय लॉ, आप शासन तो करेंगे, रूल तो करेंगे लेकिन कानून के हिसाब से। तो भारत क्या है, डेमोक्रेटिक भी है एज वेल एज रिपब्लिक भी है, यानी भारत में वही रूल करेगा जिसको बहुमत मिलेगा। तो बीजेपी गवर्नमेंट को बहुमत मिला तो बीजेपी गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनकी सरकार बनी और वो रूल कर रही है, तो अपनी मनमर्जी से तो करेंगे नहीं, किसके अकॉर्डिंग करेंगे, रूल बाय लॉ, यानी शासन करेगी बीजेपी सरकार लेकिन लॉ के हिसाब से नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों जैसे जैसे दुनिया में डेमोक्रेसी आई, रिपब्लिक नेशंस बने, तो उसके अकॉर्डिंग जो साइज था इकोनॉमिक्स का वो बढ़ने लगा, ठीक है, इकोनॉमिक्स का साइज बढ़ने लगा। लेकिन शुरुआती दौर में केवल माइक्रो इकोनॉमिक्स हुआ करती थी, यानी डिमांड और सप्लाई की बात की जाती थी। तो ये दिमाग में रखिएगा, तीन डेफिनेशन आपको अभी तक इकोनॉमिक्स की बताई, दूसरा आपको इकोनॉमिक्स के टाइप बताए भी, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब डिमांड और सप्लाई, और मैक्रो मतलब इन्फ्लेशन, बजट, टैक्स, अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर्टी, पॉपुलेशन एंड द नेशनल इनकम, राइट दोस्तों। चलिए अब आगे बात करते हैं, अब हम बात करते हैं द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। अभी तक मैं आपको इकोनॉमिक्स की तीन डेफिनेशन बता चुका हूं, ठीक, अब दोनों में मैं अंतर बताता हूं आपको, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या अंतर होता है, ठीक। देखिए जो स्टूडेंट्स मेरी क्लास लगातार देख रहे हैं, जो अभी हमने एनसीईआरटी बेस सीरीज की थी, तो उसमें मैंने आपको ये एग्जाम्पल बताया था। देखिए ये मिस्टर एक्स है, ठीक है, ये इनकी वाइफ है, ये इनकी बेटी है, और ये इनका बेटा है, ठीक है, ये कंप्लीट फैमिली है। अब क्या हुआ दोस्तों, मिस्टर एक्स को जो है पर मंथ 10,000 रुपये मिलते हैं, 10,000 रुपये मिलते हैं, मंथ के एंड में
मिस्टर एक्स को 10,000 रुपये सैलरी मिल गए। मिस्टर एक्स ने क्या करा, इन 10,000 रुपये में से 5,000 रुपये अपने पास रख लिए, क्योंकि इनको दोस्तों को पार्टी देनी थी, क्योंकि इनको पार्टी में पैसा खर्च करना था। ठीक है, इन 10,000 में से इन्होंने 3,000 रुपये अपनी वाइफ को दे दिए, 1,000 अपने बेटे को दे दिए और 1,000 अपनी बेटी को दे दिए कि जाओ ऐश करो, खर्च करो। ठीक, अब मुझे बताइए मनी का डिस्ट्रीब्यूट किया इन्होंने, मनी का डिस्ट्रीब्यूट किया, अगर कहीं पर मनी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी एक्सचेंज हो रहा मनी का, तो क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट होगा कि नहीं होगा? यानी कि यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हो रही है। आर यू एग्री विद दिस और नॉट? क्या आप इस बात से सहमत है कि नहीं है? शिनम, आप कोई बात नहीं बेटा, बाद में कर लीजिएगा। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, इनको 10,000 रुपये सैलरी मिली, 5,000 इन्होंने खुद रख ली क्योंकि इनको पार्टी देनी थी, 3,000 अपनी वाइफ को दे दिए, 1,000 अपने बेटे को दे दिए, 1,000 अपनी बेटी को दे दिए, यानी कि पूरी परिवार खुश, सबको पैसे मिल गए, पूरी परिवार खुश हो गया। लेकिन मेरा आपसे सवाल है दोस्तों, क्या ये एक परफेक्ट मैनेजमेंट है वेल्थ का? परफेक्ट मैनेजमेंट ऑफ वेल्थ, परफेक्ट मैनेजमेंट ऑफ मनी है? क्या ये एक सही प्रबंधक है पैसे का? क्या ये सही काम कर रहे हैं मिस्टर एक्स? तो आप कहेंगे आंसर इज नो सर, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अब इन्होंने 10,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, इनकी फैमिली तो खुश है, लेकिन ये बिजली का बिल कहाँ से भरेंगे, पानी का बिल कहाँ से भरेंगे, LPG सिलेंडर जिस पर सरकार ने सब्सिडी छोड़ दी, ख़त्म कर दिया, वो कहाँ से आएंगे, बच्चों की स्कूल की फीस कहाँ से भरेंगे? तो आप कहेंगे ये परफेक्ट मैनेजमेंट नहीं है वेल्थ का, यानी परफेक्ट मैनेजमेंट नहीं है मनी का। तो आपको कैसे पता लगा ये कि परफेक्ट मैनेजमेंट नहीं है? ये आपको पता लगा इकोनॉमिक्स के कुछ रूल्स से। जैसे आपको पता लगता है 1+1=5 नहीं होता है, जैसे आपको पता है APPLE एप्पल माने आम नहीं होता है, नहीं होता है ना? तो आप कहेंगे सर नहीं, 1+1=5 नहीं, 2 होता है, APPLE एप्पल माने सेब होता है ना कि आम। मैंने कहा भाई कैसे पता आपको? आप कहेंगे सर नहीं, ये मैथ्स के फॉर्मूले हमने पढ़ा है छोटी क्लास में, और एप्पल माने सेब होता है ना कि आम होता है सर। ठीक, तो ये आपको रूल्स पता है। तो इसी तरीके से यहां पे जो परफेक्ट मैनेजमेंट नहीं हो रही मनी की, ये भी आपने कहीं से ना कहीं से अपने अपने दिमाग में लगाया कि नहीं नहीं सर ये ठीक नहीं है, ये परफेक्ट मैनेजमेंट नहीं हो रहा। तो यानी कि ये आपने क्या करा, कंपैरिजन कर रहे हैं। यहां भी आपने कुछ फॉर्मूले से कंपैरिजन करा, यहां भी आपने कहीं कंपैरिजन करा, और यहां भी आपने क्या करा, कंपैरिजन करके बता दिया कि सर ये परफेक्ट मैनेजमेंट नहीं है वेल्थ का, परफेक्ट मैनेजमेंट नहीं है मनी का। तो ये कंपैरिजन आप किसी रूल्स रेगुलेशन से कर रहे होंगे, और ये रूल्स रेगुलेशन जहां पर लिखे हैं दोस्तों, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को कहते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र, यानी कि एक ऐसा शास्त्र, अर्थ शास्त्र, अर्थशास्त्र। ठीक, तो अर्थशास्त्र क्या है, यानी कि वो शास्त्र जिसमें किसके विषय में लिखा हो, अर्थ के बारे में, यानी वेल्थ, अर्थ मतलब पैसा, यानी वेल्थ के बारे में लिखा हो, यानी कि एक ऐसा शास्त्र जिसके अंदर रूल्स रेगुलेशन नियम कायदे कानून लिखे हैं, किससे संबंधित, पैसे से संबंधित, मनी से संबंधित। GDP कहीं लिखी है, GDP क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ GDP, अगर GDP की डेफिनेशन पढ़नी है तो वो आपको मिलेगी इकोनॉमिक्स में। GVA क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, पॉवर्टी क्या होती है, टैक्स क्या होता है, कितने टाइप के टैक्स होते हैं, ये आपको कहाँ मिलेगा पढ़ने को, इन इकोनॉमिक्स। ठीक है दोस्तों, जब इनी यानी इकोनॉमिक्स का मतलब हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन यानी कि कुछ रूल्स और रेगुलेशन लिखे हुए हैं यहां पर। जब इनी रूल्स रेगुलेशंस का किसी रियल टाइम सिस्टम पर अप्लाई करके, रियल टाइम सिस्टम पर ये रूल्स रेगुलेशन अप्लाई करके उस सिस्टम की वेल्थ को मैनेज किया जाता है, तो इसी को इकोनॉमी बोलते हैं, इसी को इकोनॉमी बोलते हैं। दोबारा सुनिए, इकोनॉमिक्स क्या, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, और ये रूल्स रेगुलेशंस
किसके लिए हैं कि वेल्थ को किस तरीके से या फिर मनी को किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब इन्हीं रूल्स रेगुलेशंस को किसी रियल टाइम सिस्टम पर अप्लाई किया जाता है ताकि उस रियल टाइम सिस्टम की वेल्थ को या कहें मनी को मैनेज कर किया जाए, उसी को क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं। अब रियल टाइम सिस्टम क्या होता है, रियल टाइम सिस्टम मतलब जो समय के साथ चल रहा है, जैसे भारत, ये पूरा संसार वर्ल्ड ये एक रियल टाइम सिस्टम है। क्या आपको लग रहा है भारत रुक रहा है? 1947 में देश आजाद हुआ, तब से लगातार डेली आगे बढ़ रहा है, डेली आगे बढ़ रहा है, डेली आगे बढ़ रहा है, रुका है क्या संसार? रुक रहा है नहीं, लगातार आगे बढ़ रहा है। तो भारत की आप इकोनॉमी पढ़ेंगे, इंडिया की आप इकोनॉमी पढ़ेंगे, वर्ल्ड की आप इकोनॉमी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स तो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, इकोनॉमी क्या है, रियल टाइम सिस्टम की वेल्थ को मैनेज करने के लिए जो आप इन रूल्स रेगुलेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज द इकोनॉमी, इसको बोलते हैं इकोनॉमी। क्या आपको यह समझ में आया कि नहीं आया, इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं दोस्तों? तो न्यूज़पेपर क्या है, न्यूज़पेपर इज अ रियल टाइम सिस्टम। देखिए आप, रोज बदल जाता है, रोज नया आता है, रोज नया आता है। तो अब मुझे बताइए कि न्यूज़पेपर आपको इकोनॉमिक्स बताएगा कि इकोनॉमी बताएगा, फटाफट बताइए। न्यूज़पेपर आपको इकोनॉमी बताएगा कि इकोनॉमिक्स बताएगा? न्यूज़पेपर आपको इकोनॉमी बताएगा कि इकोनॉमिक्स बताएगा? सिंपल सी बात है, इकोनॉमी बताएगा, क्योंकि एक रियल टाइम सिस्टम है, इट इज अ रियल टाइम सिस्टम, तो ये आपको इकोनॉमी बताएगा। न्यूज़पेपर में क्या आता है, भारत की जीडीपी इतनी बढ़ी, भारत की जीडीपी इतनी घटी, लेकिन ये जीडीपी क्या है, व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी तो एक रूल्स है, एक रेगुलेशन, ये कहां मिलेगा, ये इकोनॉमिक्स में मिलेगा, दैट विल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। भारत के जीडीपी इतनी बड़ी, भारत की नेशनल इनकम इतनी हुई, भारत में इन्फ्लेशन इतनी हुई, भारत में होलसेल इन्फ्लेशन इतनी हुई, ठीक है, रिटेल में इन्फ्लेशन इतनी हुई, ये कौन बताएगा, न्यूज़पेपर, दैट इज द रियल टाइम सिस्टम। लेकिन होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, पॉवर्टी क्या है, इसकी डेफिनेशन आपको कहां मिलेगी, इकोनॉमिक्स में मिलेगी। इज इट क्लियर दोस्तों, आपको डिफरेंस क्लियर है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी में? Is it clear or not? आपको इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस क्लियर है? चलें आगे, नेक्स्ट, अब बात करते हैं सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमी के सेक्टर के बारे में बात करते हैं। आपकी जो किताब है रमेश सिंह, उसके अंदर 5 सेक्टर बताए गए हैं, आपको केवल 3 याद करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि आपकी यूनियन बजट में, आपके इकोनॉमिक सर्वे में 3 ही आते हैं, उसने 3 को लास्ट वाले को 2-3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, फॉरगेट अबाउट दैट, भूल जाइए, जो चीज बता रहा हूं उस पर फोकस करते रहिएगा, क्योंकि आपका इकोनॉमिक सर्वे है या फिर आपका यूनियन बजट है, उसमें 3 सेक्टर की ही बात करेगा वो, ठीक है दोस्तों। तो इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं, इसको बोलते हैं अर्थ, इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र, यानी आपको व्यवस्था करनी है, उन रूल्स रेगुलेशन का इस्तेमाल करके आपको व्यवस्था करनी है। किसकी व्यवस्था, किसकी, इकोनॉमिक्स की तीनों डेफिनेशन की, कम रिसोर्सेज में सभी लोगों की व्यवस्था करनी है, कम रिसोर्सेज में कम गेहूं में सबको खाना पहुंचाना है, ठीक, कम पानी में सबको ड्रिंकिंग वाटर मुहैया कराना, दैट इज द इकोनॉमिक्स, दैट इज द इकोनॉमी, यही इकोनॉमी है, यानी अर्थव्यवस्था, व्यवस्था करनी है आपको। तो सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 3 सेक्टर हैं दोस्तों, प्राइमरी सेक्टर जिसको हिंदी में प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर जिसको द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, टर्शरी सेक्टर जिसको तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। अब गैंगमैन, चपरासी, रेलवे और एसएससी में इनके दूसरे नाम पूछ लिए जाते हैं, यूपीएससी तो नहीं पूछेगा। प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं, यानी कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं, 1 इज द प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड 1 इज द सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड 1 इज द टर्शरी सेक्टर, 3 क्षेत्र होते हैं।
प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर यानी कृषि क्षेत्र कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री यानी औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, और टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र कहते हैं। ठीक, अब जरा देखिए सेकेंडरी सेक्टर के बारे में बात करते हैं। ये आपको गाड़ी दिखाई दे रही है, दिख रही है कि नहीं दिख रही है आपको? दिख रही है? आप आईएएस बन जाएंगे तो आपको कौन सी गाड़ी मिलेगी जरा बताओ एक बार, फील गुड सा होना चाहिए आपको। जब आप आईएएस बन जाएंगे तो आपको कौन सी गाड़ी मिलेगी? मैं तो आपको यही विशेष कर सकता हूँ, बेस्ट विशेष फ्रॉम माय साइड कि आप सभी के सभी आईएएस बन जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये भी सच्चाई है, आप में से कुछ ही लोग निकल के आएंगे। शाबाश, वेरी गुड, आपको इनोवा मिलेगी, वेल डन। ठीक, तो फील कर कूट कर लीजिए कुछ देर के लिए इनोवा। ठीक है, तो इनोवा गाड़ी में बहुत सारा काम स्टेनलेस स्टील का होता है, एसएस का, स्टेनलेस स्टील। जानते हैं आप स्टेनलेस स्टील को, एसएस को? स्टेनलेस स्टील बनती किससे है? स्टेनलेस स्टील जो बनती है आयरन में अगर क्रोमियम को ऐड कर दिया जाए, यानी लोहे के अंदर अगर क्रोमियम को ऐड कर दिया जाए तो उससे स्टेनलेस स्टील बनती है, और स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता है। जानते हैं आप कि नहीं? दोबारा सुनिए, ये जो गाड़ी है जो एक फैक्ट्री में बन रही है, इस फैक्ट्री में गाड़ी बनाने के लिए फैक्ट्री को चाहिए स्टेनलेस स्टील, एसएस चाहिए, और जो स्टेनलेस स्टील है वो बनता है आयरन में अगर क्रोमियम को ऐड कर दिया जाए तो उससे बनता है। अब ये आयरन कहाँ से आता है? आयरन तो सर आयरन ओर से बनता है, यानी लोहा जो है लोहे के अयस्क से बनता है। और लोहे का अयस्क कहाँ से आता है? सर लोहे का अयस्क तो आता माइनिंग से, यानी खाद्यान्न से। नंबर एक बात, यानी कि आपको क्या चाहिए इस गाड़ी को बनाने के लिए, इस गाड़ी को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको लोहे का अयस्क चाहिए, जो कहाँ से निकलेगा? माइन से। ठीक है, माइनिंग करना पड़ेगा तब आपको लोहे का अयस्क निकलेगा। ठीक है जी, नंबर दो, आप ये देख रहे हैं बिस्किट, देख रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? कितने लोगों को दिख रहा है बिस्किट? ये जो बिस्किट है दोस्तों, ये बिस्किट किससे बनता है? सर ये मैदा से बनता है। अच्छा, मैदा कहाँ से आती है? सर मैदा गेहूं को बारीक पीस देते हैं और उससे बनता है। अच्छा, और सर गेहूं कहाँ से आता है? सर गेहूं खेती बाड़ी से आता है, यानी एग्रीकल्चर से आता है। ठीक है जी, ये आप टी शर्ट देख रहे हैं, शर्ट देख रहे हैं, ठीक है जी, शर्ट कैसे आता है? शर्ट सर रेशम से बनता है, धागे से बनता है। धागा कहाँ से आता है? सर रेशम पालन एक उद्योग होता है, सेरिकल्चर जिसको बोलते हैं, उसमें से बनता है। कह रहे अच्छा जी, ठीक है, तो यानी आप देख रहे हैं ये जो सेकेंडरी सेक्टर है, जो जिसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कह रहे हैं, जो मैन्युफैक्चर कर रहा है चीज़ों के, जो सेकेंडरी सेक्टर जो चीज़ों की मैन्युफैक्चर कर रहा है, यानी फाइनल गुड्स बना रहा है, जो फाइनल गुड्स बना रहा है, इस गुड्स के लिए जिस सेक्टर से रॉ मटेरियल आ रहा है उस सेक्टर को प्राइमरी सेक्टर या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर के लिए जहां पर फाइनल गुड्स बनते हैं, गाड़ियां बनती हैं, बाइक बनते हैं, कैमरा बनता है, बिस्किट बनते हैं, नमकीन बनती है, चिप्स बनते हैं, कुरकुरे बनते हैं, ये सभी के लिए रॉ मटेरियल जिस सेक्टर से आता है उस सेक्टर को कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। और प्राइमरी सेक्टर में जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं उसको नेचर प्रोड्यूस करता है। याद रखिए, प्राइमरी सेक्टर में जितने भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे उनको नेचर प्रोड्यूस करेगा, यानी सेकेंडरी सेक्टर के लिए जो सेक्टर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है उसको प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर में क्या कहता है? जैसे डेयरी हो गया, फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, सेरिकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, दीज ऑल आर द प्राइमरी सेक्टर, राइट? अब देखिए, गुड्स बन गए, ये गाड़ी बन गई, ठीक है, यहां से रॉ मटेरियल आया और गाड़ी बन गई, यहां से रॉ मटेरियल आया बिस्कुट बन गए, यहां से रॉ मटेरियल आया कपड़े बन गए, यहां से रॉ मटेरियल आया फर्नीचर बन गया, बन गया। अच्छा, अब आपको गाड़ी लेनी है, आपको एक गाड़ी लेनी है। अब मुझे ये बताइए दोस्तों, इस गाड़ी को लेने के लिए आप टाटा की कंपनी में जाएंगे, मान लीजिए टाटा नेक्सन लेनी है आपको, ये आपको इनोवा लेनी है, टोयोटा की इनोवा लेनी है, तो इनोवा के फैक्ट्री में जाएंगे जहां इनोवा बन रही है, या शोरूम में जाएंगे? कहां जाएंगे आप, कहां पे जाएंगे? एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शाबाश, कच्चा रॉ मटेरियल ज्योति, ठीक है,
कहाँ जाएंगे, टोयोटा की कंपनी में जाएंगे या फिर आप शोरूम में जाएंगे? शोरूम में जाएंगे, ठीक है। वो सेक्टर जो फाइनल गुड्स को फाइनल कस्टमर तक पहुंचाए, उस सेक्टर को टर्शरी सेक्टर कहते हैं या सेवा क्षेत्र कहते हैं या सर्विस सेक्टर कहते हैं। यानी कि वो सेक्टर जो फाइनल गुड्स को फाइनल कस्टमर तक पहुंचाए, उस सेक्टर को टर्शरी सेक्टर कहते हैं यानी सेवा क्षेत्र कहते हैं। कितने लोगों के समझ में आया ये तीनों सेक्टर? अब इसके अंदर देखिए, रिटेल बड़े बड़े जैसे रिलायंस है, रिलायंस के रिटेल सेंटर है कि रिलायंस फ्रेश है ना, आप बिग बेस्ट प्राइस ऐसे करके बड़े बड़े होते हैं, या कंपनी के शोरूम होते हैं, आपके होन आपके टोयोटा का शोरूम है या फिर बुलेट का शोरूम है। तो वे क्या बुलेट का शोरूम बुलेट बना रहा है? नहीं नहीं, सेकेंडरी सेक्टर ने बुलेट बनाया, वो तो आपके प्रोडक्ट को बुलेट को फाइनल कस्टमर तक पहुंचाने का काम कर रहा है। यानी कि सेकेंडरी सेक्टर ने गुड्स बनाए हैं, उसको फाइनल कस्टमर तक पहुंचाने की जिस सेक्टर की जिम्मेदारी होती है, उसी को कहते हैं टर्शरी सेक्टर। क्या बोलते हैं? तृतीयक क्षेत्र, यानी सर्विस सेक्टर या फिर सेवा क्षेत्र। इज इट क्लियर और नॉट? क्या ये आपको समझ में आया? ठीक, चलिए अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछ लेता हूं, मुझे बताइएगा। आपने रेलवे का नाम सुना है? रेलवे, रेल में बैठ के आप जाते हैं, आप रेल में गए, ट्रेन में गए, नॉट रेल, दैट इज द एग्जैक्ट वर्ड इज ट्रेन, रेल का मतलब पटरी, ट्रेन में आप बैठ के गए, दिल्ली से आप गए कहां पर? बेंगलोर गए, दिल्ली से बेंगलोर गए या दिल्ली से मुंबई गए। तो आप रेल में बैठ के गए, ट्रेन में बैठ के गए, तो ये जो रेलवे है ये सर्विस सेक्टर है आपके लिए, सेकेंडरी सेक्टर है या प्राइमरी सेक्टर है? शाबाश सर, कौन सा है? टर्शियरी सेक्टर। आई थिंक ये आपको क्लियर है। एक इंफॉर्मेशन आपको अपने दिमाग में और याद रखनी है, जो तीन सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, भारत में सबसे ज्यादा रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट अगर किसी सेक्टर में है तो वो है प्राइमरी सेक्टर में। सबसे ज्यादा रोजगार प्राइमरी सेक्टर में है, उसके बाद दूसरे नंबर पर सेकेंडरी सेक्टर में है, और सबसे कम रोजगार किस में है? टर्शियरी सेक्टर में है। सबसे ज्यादा रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट किसी सेक्टर में है तो वो प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीयक क्षेत्र है, और सबसे कम रोजगार किस में है दोस्तों? टर्शरी सेक्टर में यानी तृतीयक क्षेत्र में है। अगर मैं बात करूं जीडीपी की, जीडीपी मतलब भारत की एक, अभी अभी आप मोटा से मोटा समझ लीजिएगा जीडीपी क्या होता है, ऐसे मान लीजिए जीडीपी का मतलब भारत की कमाई, आने वाली क्लासेस में आपको जीडीपी में क्लियर कर दूंगा, ये समझिए कि जीडीपी मतलब भारत की कमाई। तो भारत की कमाई में सबसे ज्यादा योगदान किस सेक्टर का है? तो वो है टर्शरी सेक्टर का, उसके बाद दूसरे नंबर पे सेकेंडरी सेक्टर का, और सबसे कम अगर योगदान है तो वो है दोस्तों प्राइमरी सेक्टर का। सबसे कम है प्राइमरी सेक्टर का, यानी कि जो सेक्टर सबसे ज्यादा नौकरी दे रहा है उस सेक्टर का भारत की जीडीपी में या फिर भारत की कमाई में सबसे कम कंट्रीब्यूशन है। यह आपको अपने दिमाग में याद रखना है, ठीक है, ये अपने दिमाग में एकदम अपने दिमाग में याद रख लेना है कि सेकेंडरी सेक्टर क्या, फटाफट बताइए, जो सेक्टर फाइनल गुड को प्रोड्यूस करता है उस सेक्टर को क्या कहते हैं? सब लोग एक बार चैटबॉक्स में लिख के बताइए। जो सेक्टर फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करता है उस सेक्टर को क्या कहते हैं? जो सेक्टर फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करता है उस सेक्टर को क्या कहते हैं? शाबाश, उसको मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री या फिर सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। फाइनल गुड्स को फाइनल कस्टमर तक
पहुंचाने की जिम्मेदारी जिस सेक्टर की होती है उस सेक्टर को क्या कहते हैं? फाइनल गुड्स को फाइनल कस्टमर तक पहुंचाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी जिस सेक्टर की होती है उस सेक्टर को क्या कहते हैं? शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। इंडस्ट्री को, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंडस्ट्री सेक्टर को, जो सेक्टर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है उस सेक्टर को क्या कहते हैं? उस सेक्टर को क्या बोलते हैं? जो सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को या इंडस्ट्री सेक्टर को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं उस सेक्टर को क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, क्या बोलते हैं? दैट इज द प्राइमरी सेक्टर, इसको प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, राइट। चलिए अब बात करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम की, ठीक है। जब हम इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो इकोनॉमिक सिस्टम में हम बात करेंगे सोशलिज्म की, कैपिटलिज्म की और मिक्स इकोनॉमी की, इन तीनों के बारे में बात करेंगे। किस किस के बारे में बात करेंगे दोस्तों? कैपिटलिज्म की, सोशलिज्म के, एंड थर्ड वन इज द मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी की हम बात करेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक दोस्तों, इसको हम कल की क्लास में कवर करेंगे, आगे बात करेंगे, क्योंकि इसके बेसिस पर हम रिसोर्सेज को जानेंगे, एडम स्मिथ साहब के बारे में जानेंगे, रिसोर्सेज को समझेंगे, बात करेंगे कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी क्या होती है, सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी क्या होती है, हम बात करेंगे मिक्स फॉर्म ऑफ इकोनॉमी क्या होती है, इन तीनों को समझने की कोशिश करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, और कुछ और मेथोडोलॉजी को जानने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो जैसे शेयर कीजिए और बीच बीच में कृपया करके एक दो ऐसे आते रहिए ताकि हमारे बच्चों का मन लगा रहे, क्योंकि आप जो आते हैं ना बीच में, आपका आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप नहीं आएंगे तो हमारे बच्चे बोर हो जाएंगे, ठीक है, हम खुद भी बोर हो जाते हैं, तो आप आते रहिए। कल फिर आशा करूंगा कि आप आए, कि आप नहीं आते तो बाहर चली जाती है ना। चलिए, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।